हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मारूफ अदाकारा हरीम फारूक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि शहर इक्तदार से शहर कायद में जो है तशरीफ़ ला चुकी हैं। मैडम, शहर कायद में आपको खुश आमदीद। मुझे बताएं, आज आपने जो है अपने परफ्यूम जो है लॉन्च कर दिया, और इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी भी जो है हमें देखने को नज़र आती है, जो कि सलामती का पैगाम देते हुए हमें दिखाई देती है। तो मैडम, मुझे बताएं क्या खसूसियात हैं इस फ्रेगरेंस की, और ये चार हैं तो आप कौन से इस्तेमाल करती हैं? सबसे बड़ी खसूसियात में से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें वो ये है कि ये बहुत प्यार से बना हुआ है। इसमें मैंने अपना दिल जान, इट हैज़, क्योंकि मैं, क्योंकि देखिए, जब आप किस लोगों के लिए कोई चीज़ बनाते हैं तो वो ऐसे ही सिर्फ बेचने के लिए नहीं होती है। मेरा मानना ये है कि उसमें बहुत प्यार होना चाहिए, और उसमें कोई ना कोई एक खूबसूरत बात होनी चाहिए जो हमेशा आपके साथ रह जाए। फॉर मी ये चारों परफ्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लव, होप, फेथ एंड जॉय, यू कैन फाइंड देम एनीवेयर एट हिमानी स्टोर्स। आप ऑनलाइन www.himaniherbals.com पे भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये चारों वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट हैं, और बिलखसूस क्योंकि मौसम सरमा का आगाज़ जो है वो हो चुका है और शादी सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है, तो यकीनन अगर आपने तोहफा देना है तो आप ये नहीं समझते कि बेहतरीन एक इंतखाब हो सकता है कराची वालों के लिए? बिलखसूस खूबसूरत तरीन तोहफा है। मुझे बताएं, अच्छी खुशबू किसको अच्छी नहीं लगती है। ये चारों परफ्यूम्स जो हैं हमने बिल्कुल स्क्रैच से, शुरू से मेहनत करके, मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये चीज़ बनाई है, और समथिंग दैट पीपल वुड लव। अगेन, मेरा फेवरेट अभी जो है फ़िलहाल वो फेथ है। आजकल मुझे फेथ बहुत पसंद है, लेकिन मैंने नोट किया, मेरे परफ्यूम्स का मज़े की बात यह है कि मेरा हर महीने चेंज होता रहता है, चाहे वो किसी दिन लव हो जाता है, किसी दिन फेथ हो जाता है, कभी होप हो जाता है, तो कभी जॉय हो जाता है। तो आई, उसमें मज़े की बात है कि आप भी यूज़ करेंगे तो आपको चारों इंशाल्लाह पसंद आएंगे। यकीनन आप जो हैं खुशहाल जो है एक इन्वायरमेंट आपको हासिल हो सकेगा। हरीम शहर कायद की आवाम से मिली, सेल्फियाँ खिंचवाई, और इसके अलावा बिलखसूस हमने यहाँ पर देखा कि ऑटोग्राफ का जो एक रुझान था पहले, वो दोबारा से हमें वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो कराची के बासियों से मिलकर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा कराची में कहती हूँ मेरा सबसे फेवरेट शहर है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। और मुझे दुनिया में कहीं चली जाऊँ, मुझे ये वाला प्यार वहाँ पे नहीं, कहीं पे भी नहीं मिलता जो मुझे कराची में मिलता है। कराची में मिलता है, कराची के बासियों से जो है इन्होंने मोहब्बत का इजहार किया है। इख्तिताम करूँगा, मुझे बताइए, बार बार खिलाड़ी आपका जो ड्रामा अभी रिसेंटली बड़ी मकबूलियत के झंडे उस ड्रामे ने गाड़े, आगे कौन से प्रोजेक्ट हैं, और आपको क्या अंदाज़ा था कि इतनी मकबूलियत आपको इस ड्रामे में भी मिलेगी, वहाँ जाने के साथ केमिस्ट्री कैसे रही? बहुत अच्छी, लेकिन वो 22 कदम था जिसमें ये सब हुआ बट बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। मुझे, एज आई सेड, मेरे लिए इससे बड़ी बात कि मुझे बनाने वाले मेरे लोग हैं, मुझे बनाने वाली मेरी इमाम है। अगर आज मैं यहाँ खड़ी आपसे बात करी, उसका मतलब है कि मुझे आप लोगों ने बहुत इज्जत और प्यार दिया है। अगेन, 22 कदम के साथ भी वही इतना प्यार और इतना सपोर्ट, और उसको समझने के लिए और उसको सराहने के लिए, आई एम सो ग्रेटफुल टू एवरीबडी हु, एवरीवन हु इज़ वॉचिंग इट। और बाहर जिस समबडी जिसके साथ काम करना इज़ अ प्लेजर, मतलब बहुत मज़ा आता है। ही इज़ अ थरो प्रोफेशनल और एक ज़बरदस्त इंसान, एंड आई एम ग्लैड कि वी गॉट टू डू दिस प्रोजेक्ट टुगेदर, और उससे ज़्यादा आई एम ग्लैड कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। आप लोगों को पसंद आया, शहर कायद की आवाम की शुक्रगुजार हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही वहाज अली के साथ, तहम इन्होंने अपना परफ्यूम भी लॉन्च कर दिया है, और इनका ये कहना है कि शादी के जो एक मौसम जो चल रहा है, तो यकीनन उस पर आप जो हैं अपने जो चाहने वाले हैं उनको इनका जो ये परफ्यूम है इंतखाब किया गया, फेथ, लव और दीगर कैटेगरीज हैं उसको दे सकते हैं, और यकीनन एक डिस्काउंट भी इनकी जाने से दिया गया। तहम इन्होंने शहर कायद की बासियों के लिए मोहब्बत का, अमन का और सलामती का पैगाम जो है वो भी दिया है। जी।